दीदी आपको सेल्फी चाहिए या ऑटोग्राफ? चाहिए बुक। नमस्ते आंटी। नमस्ते। मैंने सुना आपने जो अभी कहा आपके और श्वेता के रिश्ते के बारे में। आंटी तानिया और मुझे ना मामा ने बहुत प्यार और इज्जत से संजो के रखा। डर का एहसास कभी होने ही नहीं दिया। ना ना ना, सिंधियों में न्याणी पेरन के हाथ ना लगाएंगी, वह पैर नहीं छूते। वैसे बड़ी बहू तो बहुत संस्कारी मिली है। तान्या तुमने तो कभी मेरे पैर नहीं छुए। वो सिंधियों में बेटियां पैर नहीं छूती है तो। अरे चरी, मैं तो बस तेरी टांग खींच रही हूँ बेटा। और तुम्हें ये सब नाटक करने की मेरे सामने तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। हाँ लेकिन तुम अपनी जेठानी से थोड़े बहुत संस्कारों के टिप्स तो ले ही सकती हो, है ना? और सोना, मैं सोच रही थी कि अब तुम इस फैमिली का हिस्सा हो और जब तुम्हें अपनी शूटिंग इवेंट्स इन सब से थोड़ा टाइम मिले, आई नो तुम्हारे लिए तुम्हारा काम बहुत इम्पोर्टेंट है, तो ये संस्कार जो वहाँ करती हो यहाँ थोड़ा बांट सकती हो। फैमिली के लिए भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है अगर तुम्हें अपने शूटिंग से टाइम मिले तो। नहीं आंटी, यहां मैं आपसे अग्री नहीं करती। आई मीन यस सर, काम हम सबकी पहचान के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन हमारी असली पहचान, हमारा असली अस्तित्व हमारी फैमिली से ही होता है, राइट? फैमिली की खुशियों के लिए मैंने आज तक हर चीज की, आगे भी करती रहूंगी। आंटी पार्वती और सोनाक्षी में एक फर्क है, पार्वती एक्टिंग करती है, सोनाक्षी नहीं। सोनाक्षी सिर्फ अपने दिल की सुनती और वही करती। तुम तो पूरी तैयारी के साथ आई हो ना, लगता है डायलॉग्स भी अपने सेट के राइटर से लिखवा के आई हो। आप कह रही हैं तो यही सही, मुझे बड़ों की बात काटना पसंद नहीं। मम्मा खाना लगवा दे। हाँ बिल्कुल, वरना देर हो जाएगी। मैं डिनर लगवाती हूँ। नहीं आप यहीं रुकिए, मैं और बिबी सब कर लेंगे। तो ये है मेरी बहू सोनाक्षी, जो रोज टीवी पे आती है, सिर्फ साबुन के रैपर्स पे नहीं। अच्छा बहू से तो मिल ली मैं, वो तो आ गई, पर दोनों बेटे कहाँ हैं? अरे यार इतनी हाइपर क्यों हो रही हो राइमा? बिल्कुल ठीक हूँ मैं। आई नो तुम्हें सेट पे से फोन आया होगा, सुमित सर फेंट होके गिर गए। मैडम मैं लोगों को फेंट करवाता हूँ, खुद फेंट नहीं होता, नाटक कर रहा था। अच्छा सुनो यार, एक्चुअली क्या हुआ? प्लीज एक बार जरूर सोचना। आए आई चक्कर आ रहे हो भाई, मर गया। सुमित घूम रहा है मेरा। सुमित अभी तो ठीक थे, क्या हो गया? क्या हो गया सुमित? अरे दादा जल्दी से पानी लेके आओ, प्लीज थोड़ा पीछे हटिए, पक्के चलो करो। बीपी लो हो गया मेरा लग रहा, मीठा मंगवा दो। इस तरह से शूटिंग और लेट हो जाएगी। सुमित प्लीज आंखें खोलो, प्लीज उठ जाओ। नेत्रा जी डॉक्टर बुला लो यार। सुल्तान भाई तो क्या करें? कल के टेलीकास्ट के सीन तो हो गए, आप कहे तो परसों के सीन ले लें। सुल्तान भाई बहुत स्ट्रेस है, जितने सीन्स हो सकते हैं उतने कर लीजिए प्लीज। हे भगवान। सुमित सुमित तुम अपने रूम में जाके रेस्ट करो। नेत्रा जी अभी ना हो पाएगा मेरे से, मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ यार। ओके सुल्तान भाई, सुमित के बिना सोनाक्षी के कोई सीन्स है? नो मैम। ठीक है तो पैक अप, सब लोग घर जाइए। हां भाई आराम से। चलो दादा। थैंक यू। व्हाट?
मां सीरियसली, सुमित ने हेल्प की तो मैं यहाँ पहुंच पाई, वरना बुरी तरह से फंस जाती। विमी ये लो, जल्दी से टेबल लगाना शुरू करो। थैंक गॉड तुम आ गई सोनाक्षी। लेकिन भाभी आप अंदर कैसे आई? हम में से तो किसी ने आपको नहीं देखा। हाँ? जब मैं गेट पे पहुंची ना, मैंने देखा आप सब भी वही हो। अच्छी व्या, अच्छी व्या। ये लोग तो आ गए, अब क्या करूं? इनके साथ अंदर जाना अच्छा नहीं लगता ना। ये मेहमान है, घर मेरा है, पार्टी मेरे लिए है, ऐसे कैसे? विमी, सुनो, मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। मतलब तुम इस खिड़की से कूद के आई? ओ माय गॉड भाभी, आप कमाल हो, सीरियसली। दीना पाठक जी को देखा था गोलमाल फिल्म में, ऐसे ही एक छोटी सी विंडो से कूद के वो अंदर आई थी, बस वहीं से आइडिया लगाया। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। और फिर क्या, विम्मी मेरे कपड़े और ज्वेलरी ले आई और मैं यहीं पे रेडी होके फटाफट से नीचे आ गई। थैंक गॉड पूजा तुम्हारा कमरा ग्राउंड फ्लोर पे है, सीरियसली। थैंक यू सो मच सोनाक्षी, सो स्वीट ऑफ यू। लेकिन इन सब में सोनाक्षी भाभी को चोट लग गई। चोट लग गई मतलब कहाँ? अंदर आते वक्त एड़ी मुड़ गई। अरे बाप रे, ये सब करने की क्या जरूरत थी सोनाक्षी? अम्मा आई एम सॉरी, मैं जानती थी कि रोहित एक इमरजेंसी में फंस गया है, वो नहीं आ पाएगा, एंड मैं भी फंस गई, बट मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि आप डिसअपॉइंट हो, सीरियसली। एक्चुअली ऑनेस्टली स्पीकिंग, शुरू शुरू में मुझे तो बहुत गुस्सा आया, लेकिन जब तुम्हें सामने देखा तो सारा गुस्सा ठंडा। नाउ आई एम हैप्पी। मामा मेरे लिए मेरी फैमिली से बढ़कर और कुछ नहीं, और मैं हमेशा यही ट्राई करूंगी कि मेरी वजह से, मेरे काम की वजह से आप में से कोई भी कभी डिसअपॉइंट ना हो। आई प्रॉमिस। कौन कहता है कि परफेक्ट बहू सिर्फ टीवी सीरियल्स में होती है? हम्म, कोई हमारी सोनाक्षी को तो देखे। एग्जैक्टली। वैसे अगर ये सास बहू ड्रामा खत्म हो गया हो तो जल के कुछ काम कर ले, ना पता चले सुंदरी आंटी फिर से शुरू हो गई। अरे बाप रे, मैं तो भूल ही गई थी, ये सब कुछ हम उनके लिए तो कर रहे हैं। चलो 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 चलो। अरे बाप रे, देखे इस खड़ूस डॉक्टर सर्जन को अब क्या कहना। सोना, मैं डिनर के लिए घर नहीं पहुंच पाऊंगा। वो प्रीति याद है, उसकी आज दोबारा सर्जरी हुई, इस क्रिटिकल है थोड़ा। Anyway, वाईके ने मुझे बताया तुम घर पे हो, तो मैंने सोचा इन्फॉर्म कर दूं। देखा, वाईके से बात कर सकता है लेकिन मुझे सॉरी बोलने के लिए फोन नहीं कर सकता। ओके। डिनर पे वेट नहीं करना, खा लेना खाना। ओके। अरे क्या कर रही हो, कुछ बात नहीं करनी क्या? पहले सॉरी बोलो। सॉरी? मैं क्यों? आई मीन किसके लिए? मैं माफी क्यों मांगू? इनफैक्ट तुम्हें मुझसे माफी मांगनी चाहिए। मैं माफी मांगू? हाँ। किस खुशी में? तुम्हारी गलती है, तुमने सबके सामने मुझ पर इतनी बुरी तरह से चिल्लाया और मम्मा को इन्फॉर्म भी नहीं किया, और कह रहे हो कि मेरी गलती है। और जो तुम मुझे बार-बार फोन करके डिस्टर्ब करी थी वो? वाह, शादी से पहले मेरे फोन कॉल्स तुम्हारे कानों में संगीत की तरह बजा करते थे और एक ही दिन में डिस्टर्बेंस हो गए। सोना तुम कुछ भी कह रही हो, उस समय मैं बिजी था, मैं काम कर रहा था। मैं भी काम कर रही थी रोहित। मैं सॉरी नहीं बोलने वाला। ओके, मैं कौन सा सॉरी कहने के लिए मरी जा रही हूँ। ठीक है देन, बाय। ओके, भाई भी नहीं बोला। So rude. कुछ भी हो जाए, सॉरी तो कहना ही पड़ेगा।